फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। व्यस्त सड़क पर स्टंट करने वाले एक कथित व्यक्ति का पता लगाया गया और पुलिस थाना शास्त्री पार्क की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने मीडिया को बताया। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए दूसरों की जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट कर रहा था। वीडियो की जांच करने पर पता चला कि वह व्यक्ति मेन GT रोड के बीच में कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके बगल में उसकी बाइक खड़ी थी, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित हो रहा था। वीडियो में कोई उसे बता रहा था कि यह नियम के विरुद्ध है और वह व्यक्ति जवाब दे रहा था कि बदमाश है जी। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उत्तर पूर्वी जिले के SI बाबू लाल और HC नीरज वशिष्ठ की सोशल मीडिया टीम ने वीडियो में दिखाई गई खड़ी मोटरसाइकिल के मालिक और उसकी इंस्टाग्राम ID का पता लगाया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए SHO PS शास्त्री पार्क को तथा इंस्टाग्राम अकाउंट को हटाने के लिए SHO PS साइबर को भेजा गया। कुछ ही घंटों में इंस्पेक्टर मंजीत तोमर के नेतृत्व में SI रॉकी कटिंगल, हेड कांस्टेबल शिवराज, हेड कांस्टेबल हवा सिंह, कांस्टेबल चांद राम और कांस्टेबल रंजीत की टीम ने कथित व्यक्ति का पता लगा लिया, जिसकी पहचान विपिन कुमार पुत्र देशपाल निवासी जगजीत नगर न्यू उस्मानपुर दिल्ली उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई। इसके अनुसार FIR संख्या 203/24 US 283/341 IPCRW 201 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत PS शास्त्री पार्क दिल्ली में मामला दर्ज किया गया है और उसे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। कथित व्यक्ति का मोबाइल फोन जिसमें कृत्य का वीडियो बनाया गया था और रील बनाने में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसका पंजीकरण नंबर DL1SAD4983 है को कानून के प्रावधानों के तहत बरामद कर लिया गया है और जब्त कर लिया गया है। SHO PS साइबर के माध्यम से कथित व्यक्ति विपिन के इंस्टाग्राम अकाउंट को हटाने के लिए आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस अपील करती है, सभी नागरिकों विशेषकर युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे इस तरह का लापरवाही भरा काम न करें और जिम्मेदारी से व्यवहार करें तथा सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करें।